अखिलेश यादव सरकार में अवैध खनन घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जिसकी शुरुआत बड़ी मछलियों से की है। सीबीआई ने 2008 बैच की आईएएस बी चंद्रकला के घर पर छापेमारी की है। करीब 3 घंटे तक सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम बी चंद्रकला के फ्लैट 101 नंबर में पहुंची थी और 3 घंटे तक जांच करती रही। तमाम दस्तावेज सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। इस सीबीआई की टीम में लखनऊ और दिल्ली की स्पेशल टीम बनाई गई थी। जो 15 सदस्यीय लोग थे उन लोगों ने छापेमारी की है। बी चंद्रकला के इस फ्लैट के अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें हमीरपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व एमएलसी रमेश मिश्रा, संजीव दीक्षित, ऐसे नाम है जिनके घर पर सीबीआई ने आज छापेमारी की है। अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने जो शिकंजा कसना शुरू किया है, ये पहली बार कहा जाएगा कि बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसने से शुरुआत की है और जिसकी शुरुआत एक आईएएस अधिकारी से हुई है जो हमीरपुर में लंबे समय तक जिलाधिकारी रही और अवैध खनन के आरोप में जिनके ऊपर बड़े आरोप हैं और तमाम पट्टे इन्होंने रेवड़ी की तरह बांटे थे। गायत्री प्रसाद प्रजापति का भी नाम इसमें सामने आया। अब माना जा रहा है कि आज की छापेमारी के बाद सीबीआई कुछ और बड़े नामों के ऊपर भी छापेमारी करेगी, उनके ऊपर शिकंजा कसेगी। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।